चिकन मटन चिकन टिक्का। पहाड़ों पर ही चढ़ा जा रहा है इस समय। We don't like spice. यहाँ पर जो फूड आपको मिलेंगे ना भाई, केवल जंगल, छोटे छोटे माउंटेन, उन्हीं रास्तों से हम लोग जा रहे हैं। ग्रिफ्ट रिफ्ट वैली। Yes, Rift Valley. What? What happened? तो बंदा कह क्या रहा है, दो तीन बंदे मिलके मेरे को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन आलोक। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ केन्या के नॉर्दर्न पार्ट में, लोंगलानी से मैं जा रहा हूँ साउथ होर की तरफ। मैं जा रहा हूँ हिचाइक करके एक ट्रक में। अभी तक हम लोग थोड़ा सा कुछ माउंटेन के बीच में चल रहे थे। अब जो है ना वो टोटल ये आसपास जो है ना पूरा जंगल जंगल मुझे दिख रहा है। दूर दूर तक आपको ना केवल केवल और केवल जंगल जंगल दिखेगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा ना कि मैं गया था कोमोटे ट्राइब से मिलने, और क्या भाई उन लोगों का हार्ड लाइफ है, एकदम नेक्स्ट लेवल लाइफ था वहाँ का। और जो गर्मी और टेम्परेचर था ना वो तो भाई 42 डिग्री सेल्सियस में मैंने वो वीडियो बनाई थी। लेकिन जो जमीन थी ना पूरा पथरीला था भाई, पूरे पत्थर पत्थर पड़े थे, आपने देखा होगा पूरा रेगिस्तानी। वो फील जो है 48 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स बता रहा था वो। और मैंने ना इतनी गर्मी कभी भारत में भी नहीं महसूस किया है। क्या जबरदस्त जगह है, दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं, पूरा जंगल एरिया ही। जिस एरिया में मैं नॉर्दर्न पार्ट में हूँ ना, इस केन्या के नॉर्दर्न पार्ट में हूँ ना, ये पूरा आपका जंगल पहाड़ यही दिखेगा आपको, और कुछ नहीं दिखेगा। मैंने अभी तक ठीक से यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देखा है। क्या जबरदस्त है, रोड के बगल ना पूरा नाला बहा हुआ है, उसने पूरी मिट्टी को जो है काट दिया है, देख लो आप। और ये हाल है रोड का, एकदम नेक्स्ट लेवल जर्नी हो रही है ये। और ये भाई हैं रमेश भाई, और इनके साथ ही मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वेयर मालाबार साउदर्न 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 पार्ट। तो जो कोई साउदर्न जगह है वहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो छोटा सा कोई गांव आया हुआ है रास्ते में इधर, 4:30 बजे चला हूँ लोंगलानी से, और कंटिन्यू मैं चलते ही जा रहा हूँ भाई। अभी तक जो है अपनी जो ट्रक है या ट्रॉली कह लो आप, ये अभी रुकी नहीं है कहीं पर। और सामने देखो क्या बेहतरीन माउंटेन का नज़ारा और व्यू आ रहा है। इन पेड़ों के पीछे जो आपको माउंटेन दिख रहे हैं ना, वो तो भाई बता रहे हैं नीरो। माउंट नीरो या इज इन संबूर काउंटी। संबूर काउंटी स्पेसिफिकली एट साउदर्न। साउदर्न तो ये संबूर कोई काउंटी है, उसमें आता है ये माउंट नीरो। और ये देखिए केन्या के एक गांव में ना, ये बच्चों के स्कूल है कुछ इस तरीके से, अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। ट्रक पर इस तरीके से सफर करना ना एक अलग आनंद देता है। एंड एनी इंडियन फूड यू हैव टेकन? आई टेक इंडियन फूड, चिकन टिक्का। चिकन टिक्का लाइक चिकन मटन। चिकन मटन चिकन टिक्का, ये समझ लो भाई कि ये जो है ना पूरा पहाड़ों पर ही चढ़ा जा रहा है इस समय। रास्तों को देखो आप, कोई रास्ते है नहीं, बस रास्ते बन गए हैं चलते चलते। ऐसी रोड ट्रिप तो भाई मैंने कभी नहीं की, मजा आ रहा है। केन्या? नो आई डोंट लाइक केन्यान फूड। फूड के बारे में बात हो रही है, और भाई पूछ रहा है ना कि जो आप दिल्ली और बॉम्बे में किस तरीके के फूड आपको मिलेंगे। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि 200 प्रकार के प्रॉक्स फूड तो मिल ही जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना, अपने इंडिया में किसी भी जगह पे जाओगे तो बहुत प्रकार के फूड मिल जाएंगे। लेकिन जब आप केन्या में मैंने देखा ना, तो बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ फूड आपको मिलेंगे। डोंट लाइक स्पाइस? वी डोंट लाइक स्पाइस। यहाँ पर जो फूड आपको मिलेंगे ना भाई, वो आपको केवल वाटर एंड सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट एंड फैट, जो आपको खाने में ना केवल पानी और नमक से पकाया हुआ भोजन मिलेगा अधिकतर। जिसे नॉर्दर्न पार्ट में हूँ ना, यहाँ पर तो मैं खासतौर पे ये देख रहा हूँ। कल जो है ना मैं जब मार्केट घूम रहा था तो रमेश भाई से मिला था, तो इनसे मिलकर ना
मज़ा आया कल। और आज जब मैं सुबह कोई ट्रांसपोर्टेशन देख रहा था तो मैं बस जैसे ही ऊपर आया ना तो भाई भाई से मिला, मैं शॉक हो गया। मैंने कहा अरे वाह, ये तो भाई मेरा जो है ना फर्स्ट ही चेकिंग एक्सपीरियंस ना मज़ेदार होने वाला है आज, तो थैंक्स फॉर दैट। तो इधर ना अपनी ट्राली रुकी हुई है भाई, तो भाई जो है ना कुछ नाश्ता वगैरह कर रहा है, तो बस इंतजार कर रहा हूँ आए। तो छोटा सा टाउन है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है ये, आप समझ लो बहुत छोटा सा टाउन है। इधर आप देख रहे हो ना ये कुछ ऐसे हाल है भाई। तो इधर ना भाई से जो है दो लिया है मैंने, एक ये फैंटा ऑरेंज और एक ये पानी। भाई बहुत बुरा हाल था, और यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये जो गाड़ी है ना इससे मैं सफ़र कर रहा हूँ इस समय। और क्या ज़बरदस्त भाई ड्राइविंग करता है बंदा, इन रास्तों पर तो भाई एक्सपर्ट बंदा ही चला सकता है, वैसे कोई नहीं चला सकता। ये जिस जगह रुका हूँ ना इसको कहते हैं बारागोई, बारागोई कोई जगह है, वहाँ मैं रुका हूँ। और अप्रॉक्स जो है यहाँ से माराराल जो है ना वो 80-90 किलोमीटर बता रहा है, जो कि मुझे और ट्रैवल करना है। सरकारें जब काम नहीं करती ना तो ऐसा ही झेलना पड़ता है जनता को। पीछे ना वो जहाँ पर हम लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए रुके थे ना वो एक छोटा सा टाउन पड़ा था, बाकी भाई पूरा ये जंगल एरिया है। लेकिन इस जर्नी में ना भाई जो व्यू है ना वो मस्त है, केवल जंगल, छोटे छोटे माउंटेन, उन्हीं रास्तों से हम लोग जा रहे हैं, तो व्यू जो है ना एकदम जबरदस्त है। उधर जो ना क्या जबरदस्त वैली दिख रही है, ग्रिफ्ट वैली कोई है वो है उधर। अब जाके ना थोड़ी सी रोड अच्छी आई है, हालांकि ये भी ना पक्की सड़क नहीं है। सामने जो है ना एक गाड़ी खराब हो गई है, और अब इस गाड़ी को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, रास्ता ढूंढा जा रहा है कि उधर से घूम के जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता है। इधर से भाई जो बगल आपको रास्ता दिखाया था ना उधर से ले जाया जा रहा है। तो फाइनली भाई मारालाल पहुंच गए, और ये है मारालाल। और मैं यहाँ से जहाँ मुझे नैरोबी के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, तो मैं इन्हीं के साथ ना मैं जा रहा हूँ न्यारूरू, ऐसे कोई जगह है वहाँ तक जा रहा हूँ इनके साथ। वहाँ से और नज़दीक पड़ जाएगा, और वहाँ से जो है ना काफ़ी मटाटो वगैरह मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा टाउन है, मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, सुबह 4 बजे चला हूँ, और अप्रॉक्स इस समय हो रहे हैं, इसमें कितने बज रहे हैं मैंने देखा भी नहीं भाई, इस समय 3:20 हो रहे हैं। वट हैपन हेलो जम्बो भाई कैमरा देख के कह रहा क्या है। और रोड जो है ना काफी अच्छी है, बेहतर मिल गई है हम लोगों को। ओके देन थैंक यू भाई, सी यू भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैरोबी। तो आपने देखा ना कल जो है मैं लोयंग लानी से चला, और अप्रॉक्स 5-6 बजे मैं पहुंच गया था न्याहुरु कोई जगह है वहां पर। और ये 385 किलोमीटर भाई मैं हिचाइकिंग करके आया हूँ, एक ट्रॉली थी, बड़ी ट्रॉली थी, उससे मैं हिचाइकिंग करके आया हूँ। तो मज़ा आया इस जर्नी में भाई, बहुत मज़ा आया। और आफ्टर ऑल मैं 385 किलोमीटर हिचाइक करके मैं पहुँच गया न्याहुरु। वहाँ से भाई मैं एकदम थक गया था, एकदम पूरा फुल्ली टायर्ड था भाई। तो मैं एक मटाटू पकड़ा, 600 रुपये उसको दिए, और 185 किलोमीटर है वहाँ से नैरोबी, वो मैं आ गया। और रात में पहुँचा मैं करीब 11:30 बजे, और 11:30 बजे भाई थोड़ी दूर पे ही मैं पहुँचा। ये चल में ना ये नीचे आप देख रहे होंगे ना ये सब स्टैंड है पूरा। एक तो मैं 11:30 बज रहे हैं भाई, ऊपर से पूरा मार्केट बंद है, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। तो बंदा कह क्या रहा है, 2-3 बंदे मिलके मेरे को कि भाई मेरे को कॉफ़ी पिला दो, मेरे को ये पिला दो, और रात में 11:30 बजे तुमको साले कॉफ़ी चाहिए। और मुझे इतनी गुस्सा लगी थी, एक तो मैं सुबह से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था, तो मैं एकदम झल्लाया हुआ था।
तो मैं भाई बहुत कुछ सुनाया उनको, मैं क्या बोलूँ, यहाँ बोलने लायक नहीं है। जो जो चीज़ें मैंने बोली सारी हिंदी में जो भी आ रही थी ना, जो यूपी वाले लड़के बोलते हैं ना, वो सारा कुछ मैंने बोल दिया। और वो समझा नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन जान रहा था कि भाई मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं चला आया, बगल ही होटल था, तो मैंने कहा चुपचाप भाई जो सबसे नज़दीकी होटल है यही ले लो, ज़्यादा सही है और ये ठीक भी है। तो कुल मिला के फिर मैं रात में आके भाई थोड़ा बहुत मेरे पास सामान थे, मैं उसको खा के सो गया और सुबह मैं इसमें बैठा हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो कुछ ऐसा ही था भाई ये जो कल का दिन, हालाँकि जो फर्स्ट हिचहाइकिंग एक्सपीरियंस था ना वो ज़बरदस्त था, मज़ा आया। कल जो हिचहाइक किया ना मैंने, वो भी बहुत लंबा, मैं अप्रॉक्स जो है नॉर्दर्न पार्ट से एकदम मिडिल में आ गया हूँ। 385 किलोमीटर मैंने हिचाइक किया और 185 किलोमीटर अप्रॉक्स जो है वो मैंने 600 रुपये मटाटू वाले को देके यहाँ आया हूँ। इस वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, जर्नी आगे स्टार्ट होगी नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।